ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप के न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस ये जो हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार हम जो है 30K सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेना है, एंड जो गाइस यहाँ पे मैंने मॉडल है जो अपना उसका बैकग्राउंड रेस कर रखा है, तो गाइस अगर आप किसी को बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लेना, उसके बाद आप आसानी से सीख जाओगे। तो गाइस आपको जब यहाँ पे जब आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस देखिए यहाँ पे पहले पोज वगैरह जो है गाइस देख लेना ध्यान से, ठीक है। इसमें आपको इसी टाइप का पोज रखना है, एंड उसके बाद आपको जो है अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से यहाँ पे साइज रखना है, ठीक है। साइज मतलब अभी लगा के मतलब इसे डन नहीं कर देना है, आपको क्या करना है अभी लगा के आपको बिना डन करे आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको जो बर्ड्स के जो हाउस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्ड्स का जो हाउस है यहाँ पे आपको मैं उसका PNG दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आपको लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको पहले फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे ना अपने आप ही साइज बता देगा कि आपको कितना रखना है, तो जब आप इसको फुल साइज रखोगे तो साइज कुछ इतना आएगा, एंड इसी के हिसाब से जो आपको अपने मॉडल का साइज भी रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें मॉडल का साइज जो अभी छोटा है तो इसमें थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा, तो उसके लिए करेंगे हम इसको हम यहाँ पर मूव डाउन करके, एंड इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ रखें, एंड स्क्रीन उसकी जो साइज हम इसको इतना कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप सभी को भी करना है, ठीक है। फिर इतना हो जाएगा, जब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, तो अभी अच्छे से हुआ नहीं है तो मैं इसको परफेक्ट तरीके से कर लेता हूँ पहले। अब गाइस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमें शेडो वगैरह भी चाहिए, ठीक है। तो शेडो वगैरह के लिए क्या करना है, अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको शेडो वगैरह के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, ठीक है। तो बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है, एंड जब इसको आप ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करने के बाद आपको जो है गाइस यहाँ पे जो इसका फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड फुल स्क्रीन करने के बाद आपको रेजर टूल में जाना है, आपको उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको उसका साइज छोटा कर देना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करके आपको गाइस कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट करना है। तो गाइस देखिए मैं तो आपको शेडो जो है इस तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ, एंड गाइस कई लोगों को ना ड्रॉ टूल एंड ऑटोडेस्क स्केच बुक से भी बनाते हैं, तो गाइस आप लोग अगर वैसे बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि गाइस मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे शेडो बनानी है, आपको जिस तरीके से आता है शेडो बनाना उस तरीके से बनाओ, बस गाइस शेडो बनी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो आपको शेडो बना लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस जाना अगेन ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक बर्ड का PNG, ठीक है। बर्ड्स जो PNG होता है यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा, बर्ड का PNG, ठीक है, बर्ड्स नहीं बर्ड, ठीक है। तो बर्ड का PNG जो यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको साइज छोटा करके आपको जो इसको हाउस के ऊपर ऐसे इस तरीके से बैठा देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल मतलब कि आप यहाँ पे अच्छे से रख देना है, एंड उसके बाद आपको कर देना है डन। अब गाइस इसमें जो आपको एक बटरफ्लाई का PNG भी ऐड करना है जो कि आपके बॉडी पर टच होगा, ठीक है। तो उसको हम सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं, एंड इसको लेने के बाद जो आपको करना है इसको पहले रोटेट कर लेना है, एंड गाइस इस बर्ड सॉरी बर्ड नहीं बटरफ्लाई को अगर आप जहाँ लगाना चाहो वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। आपको बैक साइड में फ्रंट साइड में जिस तरफ लगाना चाहो लगा सकते हो, तो जैसे गाइस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो एंड जो गाइस साइज वगैरह ना वो मतलब आप छोटे रखना, ठीक है, बटरफ्लाई का जो साइज है वो छोटा ही रखना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको कितना साइज रखना है, तो अभी मैं यहाँ पे जो है इसको देखिए गाइस अभी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को, तो अभी मैं फोटो को जूम करता हूँ, एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। आपको गाइस जिस तरीके से आपको ये मतलब कि इसको बनाना है, इसमें शेडो बनाने की जरूरत है नहीं हमें यहाँ पे, क्योंकि दिखेगा भी नहीं। तो जब गाइस इतना हो जाएगा तो काम आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से आपको एक लाइट का PNG ऐड करना है, ठीक है, लाइट का PNG ऐड करना है, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है, एंड स्क्रीन करने के बाद जो आपको यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे रख देना है, ठीक है। मतलब कि जो स्काई की जो रिफ्लेक्शन है ना वो आपकी बॉडी पे ऊपर पड़ रही, तो आपको ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप जो इसकी ओपेसिटी भी हल्की सी कम कर लेना, एंड ओपेसिटी जब हल्की कम कर लोगे तब गाइस आपको उसका एक डुप्लीकेट बनाना है, एंड इसको सेकंड दूसरी साइड में रखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो यहाँ पे सेव करना है, एंड इसको लेके चलना आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बस बिना रिटच को तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है यार एकदम, मतलब कि कुछ मज़ा ही नहीं आएगा फोटो में, है ना। तो अभी हम इसको लाइट रूम ऐप में ले चलते हैं। सो यहाँ पे गाइस हमने फोटो को जो है पहले से ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है सिंपली स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है जिसको यहाँ पे हल्का सा जो है यहाँ पे प्लस करना है, एंड जो यहाँ पे हाईलाइट है इसको हल्का सा माइनस करना है, शेडो है जिसको हल्का सा माइनस करना है, जो व्हाइट है इसको हल्का सा यहाँ पे प्लस करना है, जो ब्लैक है यहाँ पे इसको हल्का सा माइनस करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको जाना है कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, एंड कलर मिक्स में जाना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस आपको प्लस करना है, फिर यहाँ पे येलो कलर मिलेगा आपको, उसका येलो कलर जो उसका ह्यू आपको प्लस कर देना है, सैचुरेशन यहाँ पे प्लस कर देना है, फिर आपको जाना है डार्क ब्लू में,
डार्क ब्लू में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है, एंड इतना हो जाने के बाद आपको डन कर देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में डाल देना है विगिनेट अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डालना है, जिसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।